तो कैसे हो फ्रेंड्स आप सब लोग, आपका हमारे ऑल इन वन चैनल में स्वागत है। सो आज हम आपको किचन की तरफ लेके चलते हैं और आपको सिखाएंगे देसी कढ़ाई चिकन जो कैसे बनाते हैं। सो आइए आपका सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। सो ये जो है 600 ग्राम चिकन लिया हुआ है। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि हमने इसमें जो है ऐड करने हैं, तो इसमें है सॉल्ट, ये जो है लाल मिर्च ली हुई है, ये गरम मसाला, ये कसूरी मेथी देगी मिर्च, और ये जो है लाल मिर्च है, और बीच में गरम मसाला। आप ये हल्दी पाउडर आप ऐड करोगे। इसके साथ जो है हमने चॉप किए हुए हैं अनियन, ये टमाटो, और ये जो है गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट है विद चिली। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम स्टार्ट करते चलते हैं। तो ये हमारा जो है, हमने हाफ टेबल स्पून जो है ऑयल डाला हुआ है। सो इसमें हमने ऐड किया है ज़ीरा। ऑयल को जो है प्रॉपरली हमने जो है फ्राई करना है। सो इसमें जो है हमने ऐड कर दिया अनियन। प्याज को ऐड करके हल्का ब्राउन कलर करना है हमें इसको। इसमें जो है बाकी इन्ग्रीडियंट्स हम ऐड कर रहे हैं। ये कुछ लंबा प्रोसेस नहीं है, हम आपको जो है नेचुरली जो वे है हम आपको बता रहे हैं जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं। तो कढ़ाई चिकन में जो है ये इंग्रेडिएंट हमने जो है यूज़ किए हैं। तो अनियन को जो है हल्का लाइट ब्राउन तक हमें जो है इसको भुनना है। तो आप देख सकते हो इसका टेक्स्चर लाइट ब्राउन होने लगा है। इसमें जो है हमने ये जिंजर गार्लिक पेस्ट विद चिली, जो है ग्रीन चिली हमने ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है चिली ऐड कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे हल्का डीप फ्राई नहीं करना। इसमें जो है सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, ये जो है लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, और ये देगी मिर्च जो कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं, हल्दी पाउडर, प्याज को हल्का फ्राई होने तक यूज़ करना है। उसके बाद हम ऐड करेंगे टमाटर। देख सकते हो इसका कलर, टेक्सचर जो है लाइट कलर में आ चुका है, और बिल्कुल ये सिम गैस पे जो है आप सिम आँच पे आप इसको पका सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे अब टमाटर, दो बड़े टमाटर हमने चॉप किए हुए हैं। जब तक टमाटर गल ना जाए तब तक हम इसको जो है भूनते रहेंगे। इसका जो ऑयल है वो बाहर आ जाना चाहिए। जब ये ऑयल प्रॉपरली हमें शो हो जाएगा, टमाटर बिल्कुल गल जाएगा, फिर इसके बाद जो है हम इसमें अदर इन्ग्रीडियंट्स जो हैं ऐड करेंगे। तो अभी के लिए हम थोड़े टाइम के लिए इसको ढक रहे हैं ताकि सेम आँच पे ये गल जाए टमाटर। तो गाइस अब आप देख सकते हो तो टमाटर जो है अच्छे से गल गया है और ऑयल भी जो है निकल गया। तो अब जो है अच्छी तरह से इसको भून के, और इसमें जो है अब हम ऐड करेंगे चिकन। तो अब चिकन ऐड करते हैं। 600 ग्राम चिकन लिया हुआ है। चिकन को अच्छे से जो है इसमें डाल के भूनेंगे प्रॉपरली। चिकन को भून के उसके बाद जो है प्रॉपरली इसको कवर कर देंगे।
आप देख सकते हैं ग्रेवी इतनी प्रॉपरली रेडी हो चुकी है। हाई फ्लेम पे जो है चिकन को पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए। अब इसको जो है हम ढक देंगे अच्छे से, और इसमें जो है हमने ये धनिया रखा हुआ है जो हम एंड में ऐड करेंगे, और ये लेमन भी जो है गार्निशिंग के लिए, और एंड में इसको थोड़ा सा यूज़ करेंगे। तो गाइस अब आप देख सकते हो हमारा चिकन जो है अच्छे से हमने इसको हाई फ्लेम पे भून लिया है। आप इसको अच्छे से देख सकते हो चिकन जो है हल्के हल्के से गलने भी लग पड़ा। अब इसमें जो है हम ये जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो था उसका जो हमने सिरम बनाया है ये ऐड करेंगे, और चिकन को जो है स्लो फ्लेम पे जो है 15 से 20 मिनट हम पकाएंगे इसको अच्छे से। अब आप देख सकते हो सो इसको अब अच्छे से ढक के 15 से 20 मिनट तक पकाते हैं। सो मिलते हैं गाइस आपको थोड़ी देर बाद, तो आपको बताएंगे किस तरह से इसका टेस्ट आया। गाइस अब हमें क्या करना है, जैसे कि जो चिकन है 15 मिनट के लिए जो है हमने ढक के पकाना है, लेकिन इसको विदिन 5 मिनट आप जो है हिलाते रहें ताकि चिकन जो है नीचे लगे ना और अच्छे से प्रॉपरली कुक हो। सो अभी आप देख सकते हैं गाइस इसका कलर और टेक्सचर जो है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं जब ये प्रॉपरली कुक हो जाए। सो गाइस अब आप देख सकते हैं चिकन को बनते हुए कम से कम 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और आप इसका टेक्सचर देखिए, मुझे तो देख के इसका टेस्ट जो है स्वाद आ रहा है, काफ़ी टेस्टी जो है इसकी फ्रेगनेंस आ रही है, देख सकते हैं गाइस आपको क्लोज लुक में ले जाती है। ये देखिए चिकन जो है प्रॉपरली रेडी हो चुका है। अब आपको जो है हम चेक करवाते हैं। सो गाइस अब आप देख लीजिए चिकन जो है पूरी तरह से गल चुका है। प्रॉपरली इसका जो है मसाला पक चुका है। सो अब हम गार्निशिंग के लिए जो है इसमें धनिया डालेंगे, हरा धनिया, और नींबू डालेंगे ताकि हल्की सी खटास आ जाए, इससे चिकन का टेस्ट जो है और भी बढ़ जाता है। गार्निशिंग के बाद देख सकते हो गाइस जब आप कितना ये लुक यम्मी लग रहा है इसका। मुझे तो देख के इसको मुंह में पानी आ रहा है। सो गाइस अब आप देख सकते हैं प्रॉपरली जो है रेडी हो चुका है चिकन। सो आपको जो है मिलते हैं कुछ ही देर बाद, और आप इंजॉय करें इस चिकन को, और हमें जो है कमेंट करके जो है ज़रूर बताएं कि आपको इसका जो है कैसा लगा ये वीडियो।